आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 खतरनाक विशाल और खूंखार मछलियाँ जो हर वक्त खून की प्यासी रहती है। कोई भी जीव इनसे बिरना नहीं चाहेगा। इनमें कुछ मछलियाँ इतनी खतरनाक है कि कुछ ही सेकंडों में ये एक बड़े से हाथी को हड्डियों की ढांचों में तब्दील करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। पूरे दुनिया में लगभग मछलियों की 32,000 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें कुछ मछलियाँ खाई जाती है तो कुछ इतने खतरनाक और विशाल होते हैं कि एक ही झटके में पूरे इंसान को निगल जा सकती है। इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा, परंतु आज हम जिन मछलियों के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद ही आपने कभी उनके बारे में सुना होगा, क्योंकि इनमें तेज़ बिजली के झटके देने वाली मछलियाँ, मजबूत दांतों से लोहे तक को चबाने वाली मछलियाँ और कुछ इतने जहरीले हैं जिनके जहर से बच पाना मुमकिन तो क्या नामुमकिन ही है। मोरे ईल, इसको मोरे नीड़े नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर समंदर के ताल में पाए जाते हैं। जनरली मोरे ईल का साइज 1.5 मीटर तक का होता है, मगर सबसे बड़ा मोरे ईल 4 मीटर का भी देखा गया है, जिसे सिलेंडर गेंट मोरे के नाम से जाना जाता है। दुनिया में मोरे ईल के 200 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सबसे खतरनाक ये स्पीशीज है। इसके खतरनाक होने की वजह इसके जबड़े है। आम तौर पर किसी भी जानवर या मछली के पास एक जबड़ा होता है, मगर यहाँ मामला कुछ और है। मोरे फिश के पास 2 अलग अलग जबड़े होते हैं, एक बाहरी तरह नोकीले दांतों से भरा हुआ जबड़ा और दूसरा मुंह के अंदर गले के पास पाए जाने वाला जबड़ा। जब ये किसी जीव का शिकार करता है तो पहले अपने बाहरी वाले जबड़े से उसे कस के दबोच लेती है, फिर उसके बाद गले के अंदर पाए जाने वाला जबड़ा शिकार को अंदर की तरह चीरते हुए निकल जाती है। स्टोन फिश दुनिया के सबसे जहरीले और घातक मछलियों में से एक है, जो एशिया के इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। कैमोफ्लेज दिखाना इस मछली का एक अहम हुनर है, जिसकी वजह से ये छुपकर वार करने में महारत रखती है। ये मछली समंदर के तल पर पाई जाती है और ये एक पत्थर जैसी दिखती है। इसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पत्थर और चट्टानों में छुपी रहती है। ऐसे में इसके आसपास आने वाले शिकार को ये पलक झपकते ही निकल जाती है। स्टोन फिश पानी के बाहर 24 घंटे तक जिंदा रहती है। ऐसे में ये मछली कभी समंदर के बाहर बीच पर भी आती है तो हम इंसान इसे पत्थर समझकर इस पर पैर रखते हैं और हम आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। स्टोन फिश के पीठ पर 17 ऐसे नुकीले कांटे होते हैं, जिनमें भारी मात्रा में जानलेवा जहर पाया जाता है, और जैसे ये कांटे किसी को चुभते हैं तो वो 1 से 2 घंटे में दर्दनाक मौत का शिकार होता है। पिराना फिश। पिराना दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है। वजह है इसके मजबूत नोकीले दांत और बेहद ही मजबूत जबड़े, जिससे लोहे तक को काट सकती है। पिराना इतनी खतरनाक है कि ये अपने आसपास आने वाले किसी भी जानवर को बूटी बूटी चबा सकती है। खून की प्यासी ये मछली हर वक्त शिकार की तलाश में रहती है। पिराना फिश की ज़्यादातर स्पीशीज साउथ अमेरिका के समंदर में पाए जाते हैं। इसका साइज तकरीबन 11 इंच का होता है, मगर छोटी सी दिखने वाली ये मछली को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये मछली अपने शिकार को कभी भी बख्शती नहीं है। ये मछली अपने से बड़े जीव को कुछ ही सेकंडों में नोच कर खाने में इतनी महारत रखती है जैसे कि वो जीव कभी था ही नहीं। पयारा फिश दुनिया की सबसे खूंखार मछली मानी जाती है, क्योंकि ये हर वक्त शिकार की तलाश में रहती है। गलती से भी अगर कोई जीव इसके पास आया तो उसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके पास मजबूत जबड़े और आगे की तरफ से 2 बड़े नोकीले दांत होते हैं, जो बिल्कुल एक वैम्पायर जैसी दिखती है। इसीलिए इसे वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस फिश की साइज 4 फीट और वजन 18 केजी तक का होता है। इलेक्ट्रिक ईल का साइज तकरीबन 2 मीटर तक का होता है और इसका वजन लगभग 20 किलो का होता है। हकीकत में ये मछली एक नाइफ फिश है। इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न नदी की सबसे डेंजरस मछली है, जो बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर 24 आवर्स इलेक्ट्रिक करंट चलती रहती है। करीबन ये मछली 600 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो बड़े से बड़े जीव को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मौत के घाट उतार सकती है। साफ फिश शार्क की ही प्रजाति में से एक है, जो दिखने में बाकी सभी शार्कों से अलग है, क्योंकि इसकी नाक 2.6 फीट लंबी है, जिस पर कई सारे नोकीले दांत होते हैं जो कि शिकार को चीरने में काम आते हैं। इसकी नाक बिल्कुल आरी जैसी दिखती है, इसीलिए इसको साफ फिश कहा जाता है। ये मछली इतनी खतरनाक है कि ये अपने से बड़े जीव पर हमला करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। ये अपनी आरी जैसी नाक से
बड़े बड़े शार्कों और मगरमच्छों को चीरने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। ये मछली ज़्यादातर अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। पफर फिश। पफर फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली है क्योंकि इसमें टेरिडोटॉक्सिन पाया जाता है। टेरिडोटॉक्सिन एक न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। इसके अलावा ये सब्सटेंस हीट स्टेबल भी है, यानी ये जहर कुकिंग से भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और बदकिस्मती से इस जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं पाया जाता है। टेरिडोटॉक्सिन 1200 टाइम्स साइनाइड से ख़तरनाक है। इसका एक बूंद 30 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि जब भी कोई जीव इसका पीछा करता है तो ये मछली अपने अंदर इतना पानी भर लेती है कि ये फूल जाती है, जो इसे तेज़ रफ्तार पकड़ने में मदद देती है। इसके अलावा कई पफर फिश की प्रजातियों में बहुत ही मजबूत जबड़े और दांत होते हैं जो बड़ी आसानी से इंसान की हड्डियों को भी चबा सकती है। स्टार गेजर फिश। स्टार गेजर फिश स्टोन फिश की ही तरह दिखती है, जो कि छुपकर और शिकार को धोखे में रखकर पलक झपकते ही बाहर करने में अंधा महारत रखती है। इसके अलावा इस मछली में जहर और इलेक्ट्रिक करंट भी पाए जाते हैं। इसके पास दो स्पेशल विंग्स भी होते हैं जिनकी मदद से ये बड़ी आसानी से रेत में छुपकर गात लगाती है। फैंग टूथ फिश। मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली ये मछली खतरनाक होने के साथ साथ बेहद गुस्सेल और आक्रामक है, क्योंकि इसके लोहे जैसे जबड़े और बड़े ही खतरनाक नोकीले और मजबूत दांत, जिनके चपेट में अगर कोई भी जीव आ गया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। 6 इंच लंबी इस मछली के दांत इतने बड़े हैं कि ये अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाती। टाइगर फिश। टाइगर फिश दुनिया की सबसे खतरनाक खूंखार विशाल और डरावनी मछली है, जो मगरमच्छ जैसे बड़े जीव को मौत के घाट उतार सकती है। शेर जैसे मजबूत जबड़े और लोहे जैसे मजबूत और तेज दांत इस मछली को दुनिया की सबसे खतरनाक मछली बनाती है। इस मछली के अंदर एक सेंसरी सिस्टम पाया जाता है जिसकी मदद से दूर से ही अपने शिकार को पहचानती है और फिर चीते जैसी तेज रफ्तार से शिकार को निगल जाती है।